जोधपुर में ईद की नमाज के बाद जो हंगामा हुआ वो तो आप सभी ने देखा, उसकी वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसके बाद जो हंगामा हो रहा है अब मैं उसकी चर्चा करूंगी आपके सामने। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अब जिस खबर की ओर मैं आपको ले चलूंगी वो ये है, जोधपुर में ईद की नमाज के बाद लगातार हंगामा और बवाल सामने आया है। लगातार वहां पर जो हुआ और उसके बाद जो लाठी चार्ज हुआ, लाठियां भी भांजी गईं लोगों पर और उसके बाद आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। मगर मामला क्या था? मामला ये था कि वहां पर झंडे को लेकर विवाद हो रहा था। जी हाँ, झंडे और लाउड स्पीकर को लेकर विवाद उठा और ये विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि पुलिस वालों को लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। झंडे को लेकर उठे इस विवाद में सबसे पहले झंडा जो लगाया जाता है वो होता है सबसे पहला झंडा भगवा, उसके बाद हरे रंग का झंडा लगाया जाता है और उसके बाद जो तीसरा झंडा लगाया जाता है मामले को शांत करने के लिए वो लगाया जाता है तिरंगा। ये सब तब होता है जब इतना कुछ बवाल हो जाता है उसके बाद तिरंगा झंडा लगा दिया जाता है। लेकिन ये तो झंडे तक सीमित है, इसके आगे जो कुछ हुआ और जो वीडियो वायरल हो रही है, जो पुलिसकर्मी सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस वालों ने लाठियां भांजी, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में आपको दिख जाएगा कि दो तरीके के समुदाय की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर मौजूद सिर्फ एक ही समुदाय है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय है। पुलिस वालों का कहना है कि लगातार जो नमाजी वहां से नमाज करके आ रहे थे तो वो उन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़ने चालू कर दिए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, नमाजी जो आ रहे हैं बाहर निकल कर, क्या उनका दिमाग खराब है या फिर वो अपनी कौम को ही बदनाम करने के लिए इस तरीके का घिनौनी हरकत करेंगे? आप पहले ये सोचिए और जानिए कि किस तरीके से जो मीडिया है वो खबर को बनाता है और आपको दिखाता है और आपके दिमाग को यहां से वहां ले जाने का काम करता है। जब आप ये देख रहे हैं सामने इस वीडियो में, आप देख लीजिए किस तरीके से पुलिस वाले इन पर लाठियां भांज रहे हैं। दो समुदाय की बात की जा रही है मगर यहां पर दिख तो एक ही समुदाय रहा है, वो भी मुस्लिम। क्या अपने आप में ही मुस्लिम समुदाय अपने आप को गिराने के लिए इस तरीके की हरकत करेंगे? पहले तो यही सोचने वाली बात है। अब मैं लेकर चलती हूँ आपको उस जालोरी गेट की वाक्य को बताने के लिए, जहाँ पर पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई और लगातार नारेबाजी करने का आरोप जो लगाया जा रहा है एक समुदाय के ऊपर। तो आपको मैं बता दूं, उसमें चार पुलिस वाले घायल हुए ऐसी बात सामने आ रही है, और जिसमें एक पुलिस वाले का जो वीडियो सामने आ रहा है कि उसके सर पर पथराव किया गया और पत्थरबाजी करने की वजह से उसके सर से खून तक निकला है और लगातार उसकी ये वीडियो वायरल हो रही है। जी हाँ, एक पुलिसकर्मी है जिसकी वीडियो वायरल हो रही है, जो मासूम जनता की सिंपैथी गेन करते फिर रहे हैं। पहले तो आप ये वीडियो देखिए, मैं आपको ये वीडियो भी दिखा दूंगी और साथ में इससे जुड़ी एक खबर भी दिखा दूंगी। मगर इससे पहले आप ये जान लीजिए, जो पुलिस वाला सिंपैथी गेन करता फिर रहा है, इसकी घिनौनी और काली करतूत की वीडियो भी सामने आई है, जिसका खुलासा मैं आपके सामने कर रही हूँ। देखिए किस तरीके से ये पुलिस वाला पहले इस खबरों में छाया रहा कि इस पुलिसकर्मी को घायल कर दिया गया, वो भी मुस्लिमों द्वारा। मगर एक तरफ जो सच्चाई है वो ये आप जान लीजिए कि किस तरीके से ये पुलिस वाला इस वीडियो में कपड़ा भांग रहा है, कोई इसके सर पर पथराव नहीं किया गया है, किसी भी तरीके का खून नहीं बह रहा है, मगर फिर भी ये हरकत की गई है पुलिसकर्मी के द्वारा। सोचिए किस तरीके से एक समुदाय को टारगेट करते हुए ये लोग और संगी गुंडे सड़कों पर घूम रहे हैं, वहीं सरकारी तंत्र को हाथ में लिए ये पुलिसकर्मी भी एक ही समुदाय को टारगेट करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये पुलिस वाला लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है और विक्टिम कार्ड खेल के कैसे सिंपैथी गेम की जाती है वो आप सामने देख ही सकते हैं। फिलहाल जोधपुर में हालात अभी भी तनावपूर्ण है कि लगातार वहां पर इस तरीके की कोशिश की जा रही है कि हालात सामान्य हो जाए और शांति बनी रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए जनहित आवाज के साथ।